गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुकेट। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए तो अपन जो है शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट किया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये अपनी सीरीज जो है वो रन कर रही है, जिसमें अपन ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पार्ट वन अपन क्लियर कर चुके हैं, अपन प्रीपोजिशन के पार्ट टू पर हैं आज, ठीक है। उसके पहले वाले वीडियोस, क्योंकि ये पूरी सीरीज है, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमारा कुछ छूट गया है या ये वीडियो जो है हम तक नहीं पहुंचा है क्योंकि हम क्लास कभी आपने अटेंड की या नहीं की, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप करणी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर मिल जाएं। तो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के लिए जो है आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियोस में आपको मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में नाउन से लेकर और अभी प्रीपोजिशंस के पार्ट टू तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करें प्रीपोजिशंस। कोई भी डाउट हो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप मैसेज करें, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, और कमेंट्स लिखकर मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। चलिए तो प्रीपोजिशंस पार्ट टू अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने प्रीपोजिशन जब पिछली क्लास में किया था, अभी नेक्स्ट, तो उसमें अपन ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, ये सब किया। तो उस दिन अपन ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी अपन ने ऑन, एट सबको किया था, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में उनको कैसे यूज़ करते हैं उसका सीखा था। आज अपन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करेंगे, और उसमें इन, एट, ऑन और भी जो आगे अपने एग्जांपल्स जो रूल्स के साथ आते जाएंगे उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। टाइम अपना डन हो गया है और आप भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये वन नंबर पर था, ये दूसरा है। आप इसकी प्रीपोजिशंस की स्लाइड नंबर जो अपना पार्ट वन देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन, एट। अब देखो इन कहाँ यूज होगा? एट एग्जैक्ट प्लेस, फॉर, सिटी, कंट्री, स्टेट, विलेज के लिए इन, ठीक है, और फॉर स्ट्रीट और फ्लोर के लिए ऑन। अब इनके एग्जांपल्स देखें अपन। जैसे फॉर एग्जैक्ट प्लेस, तो शी इज एट जयपुर, ये सही है क्या? एग्जैक्ट प्लेस है, जयपुर इतनी बड़ी जगह है, जयपुर में कहीं पर भी हो सकती है? नहीं, गलत। तो ये इसका क्या होगा? शी इज एट होम, दैट इज राइट सेंटेंस। अब इन के लिए फॉर सिटी, कंट्री, स्टेट और विलेज, तो मैं इसके लिए क्या यूज कर सकती हूँ? शी इज इन जयपुर। हो गया क्लियर? फॉर ऑन किसके लिए यूज होगा? फॉर स्ट्रीट एंड फ्लोर, तो शी इज सिटिंग ऑन फ्लोर। क्लियर? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अपन ने शुरू किया है इन, ऑन, एट। अब जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा शी इज एट जयपुर, तो ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ गलत है। क्यों गलत है? क्या कारण है इसके गलत होने का? क्यों? क्योंकि ये एट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? एग्जैक्ट प्लेस के लिए। तो एग्जैक्ट प्लेस, अब जयपुर में इतना बड़ा जयपुर है, तो शी इज एट जयपुर, तो क्या एग्जैक्ट प्लेस बता दी कि मैंने वो कहाँ है? नहीं, शी इज एट होम, दैट इज एग्जैक्ट प्लेस, कि हाँ ये उसका घर है और वो अपने घर पर है, ठीक है। शी इज एट रेस्टोरेंट, दैट इज
प्रॉपर, शी इज एट ऑफिस, दैट इज प्रॉपर सेंटेंस. अब इन जो है उसे कैसे यूज करेंगे, फॉर सिटी, फॉर कंट्री, फॉर स्टेट एंड फॉर विलेज. फॉर सिटी, फॉर कंट्री, फॉर स्टेट एंड फॉर विलेज. तो शी इज इन जयपुर, वो कहाँ है, जयपुर में है. और फॉर और स्ट्रीट जो है, फ्लोर और स्ट्रीट, वो जब आएगा तो क्या यूज करेंगे, ऑन. शी इज सिटिंग ऑन फ्लोर, वो फ्लोर पर बैठी है. मेरी बात सुनिए, ये जो सेंटेंसेस अपन ये जो कर रहे हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन कर रहे हैं, तो मेरा मोटो ये है कि आप इसको जो है सीखें, रटे नहीं, सीखें. दूसरी बात, डेली जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें इसे यूज़ करें जितना हो सकता है. जैसे आप ये नॉर्मल सेंटेंस बोलते हो कि कोई कहाँ है, आप फ्लोर पर बैठे हैं, तो ये सीख रहे हैं तो उसे यूज़ करें. ऐसे नहीं कि जब एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे, कॉपी में लिखना है, वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है. अगर वो काम करना है तो मैं आपको रूल्स बता देती हूँ और ऐसे बता दूँगी कि आपको रटने ही पड़ेंगे. मैं क्यों आपको इतना छोटा करके समझा रही हूँ, मेरा मोटो ये है कि आप इसे अपने डेली जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उसमें यूज़ करें, जिससे कि ये कंसेप्ट जो हैं ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे. ये कंसेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप इसको जितना ज़्यादा हो सकेंगे उतना यूज़ करेंगे. मैंने अभी पढ़ा दिया, आपने क्लियर बोल दिया, क्लियर हो गया, लेकिन नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होता है. इसको जितना आप वोकेबलरी में लेंगे, जितना प्रोनाउंसिएशन में लेंगे, ये सब चीज़ें क्लियर होगी. समझ में आया? अभी तो बता दिया, हाँ मैम हमें याद है, एग्जैक्ट प्लेस के लिए होगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए. चार सेंटेंस बोलेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? बोल तो रही हैं आप, ऐसा तो है नहीं कि अपन बोलते नहीं हैं, बोलते तो हैं ही हैं. तो जब बोलते हैं तो कुछ अच्छा बोल लें, कुछ अच्छा इन द सेंस कि ऐसा बोल दें कि जो आपको आगे फ्यूचर में भी, आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करें. तो जितना हो सके इसको वोकेबलरी सेक्शन में यूज़ करें, जिससे कि ये आपके जो डाउट्स हैं ये और निकल कर आएंगे. जितना बोलोगे उतने डाउट्स आएंगे, और जितने डाउट्स आएंगे उतने मैं रिप्लाई करूँगी. मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग डाउट्स पूछें. रीज़न ये है कि जितना आप मुझसे डाउट पूछेंगे उतना मेरा भी इम्प्रूव होगा, और आप जितना पढ़ोगे वो आपका इम्प्रूवमेंट है. सीखने की तो एज नहीं है ना, तो मेरे लिए भी नहीं है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स के अंदर कहीं पर भी डाउट आता है, प्लीज़ 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 लिखें, पूछें कि मैम इसको क्लियर कर दें, ये अभी भी समझ नहीं आया. डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करके दूंगी, नेक्स्ट क्लास में, और हो सका तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसी समय रिप्लाई कर दूंगी. और नहीं तो ऐसा लगा कि नहीं मुझे समझाना ज़्यादा सही है, तो मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, डेली मिल रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर करके दे दूंगी. तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है. लेकिन प्लीज़ इसको आप डेली वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में लें, जिससे कि आपके ये जो बेसिक फंडे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कोई आपकी अभी क्लास नहीं है, टेंथ क्लास में ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. लेकिन क्यों मैं बेसिक ले रही हूँ, जिससे कि एट्थ क्लास का बच्चा, नाइन्थ क्लास का बच्चा भी ये बेसिक कंसेप्ट्स में अगर आ जाएगा तो उसका वोकेबलरी सेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा. और ये कब तक इम्प्रूव करेगा, जब तक आप पढ़ रहे हैं, और बाद में जब आप बोलेंगे तो वो, बट ऑब्वियस है कि यू आर अ शार्प फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. क्लियर? तो दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें अपन ने इन ऑन ऐड किया. इन जो है वो अपन यूज़ करेंगे फॉर अ सिटी, कंट्री, स्टेट और विलेज. एट जो है वो यूज़ करेंगे फॉर एग्जैक्ट प्लेस, और ऑन जो है वो यूज़ करेंगे अपन स्ट्रीट या फ्लोर के लिए. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर चलते हैं अब अपन. नेक्स्ट है अपना इन एंड ऑन. इन और ऑन, इन व्हीकल, इन और ऑन. लार्ज फ्लोर सरफेस, ऑन. स्मॉल फ्लोर सरफेस, इन. ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन शिप, ऑन बाइक. इन कार, इन अ स्मॉल बोट. अब मैं आपको छोटा सा स्पेस समझाती हूँ. व्हीकल के लिए आप इन और ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है? अब व्हीकल, ट्रेन भी व्हीकल है, बोट भी व्हीकल है, बाइक भी व्हीकल है, कार भी व्हीकल है. तो पहली चीज़ क्या हो गई कि आप व्हीकल्स के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इन ऑन.
ये दो यूज कर रहे हैं। अब आप इन किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो स्मॉल फ्लोर वाली चीजें हैं, मतलब कि जिस पर आप चल नहीं सकते। आप कार में बैठते हैं, चल नहीं सकते। कार में चल सकते हैं क्या? कार में पैदल चल सकते हैं? नहीं चल सकते। बोट, छोटी बोट में पैदल चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो इन यूज़ किया। अब ऑन मैंने किसके लिए यूज़ किया? ऑन बस, तो इसमें बस बड़ी होती है, आप चल सकते हो। इसमें एक स्पेशल केस होता है जो है बाइक। बाइक के लिए भी ऑन ही यूज़ होता है, क्योंकि वो इतना है कि आप उस पर बैठे और चल दिए। समझ में आया? फिर ट्रेन, ट्रेन भी बड़ी होती है तो आप ट्रेन में चल सकते हैं। शिप बड़ी होती है तो आप शिप में चल सकते हैं। तो मतलब जिसमें आप चल सकते हैं, जो कि बड़ी फ्लोर वाली चीज़ होती है, वो जो व्हीकल होता है उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। जो छोटी फ्लोर वाली व्हीकल होती है जिसमें आप चल नहीं सकते, उसके लिए इन यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको कि व्हीकल्स में इन जो है वो गाड़ियों के लिए इन यूज़ करेंगे जिसमें आप चल नहीं सकते, और उन गाड़ियों के लिए ऑन यूज़ करेंगे जिसमें आप चल सकते हो। तो जैसे एक अपन ने एग्जांपल लिया, आई एम ऑन बस लिखेंगे कि आई एम ऑन बस, कि आई एम इन बस। अब आप कहेंगे मैम सही तो ये होगा, ऑन का मतलब तो हो जाता है ऊपर। नहीं नहीं, और इन बस नहीं होगा, उसमें ऑन होगा। और आई एम इन कार, तो वो इन ही रहेगा। तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी तरह की गलतफहमी दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि इन और ऑन में किस तरह का फर्क होता है। वो व्हीकल्स जो छोटे होते हैं, जिनमें आप चल नहीं सकते हो, उन व्हीकल्स में जिसमें आप चल नहीं सकते हो, वो जो स्मॉल फ्लोर वाले व्हीकल्स होते हैं उसके लिए आप इन यूज़ करोगे, जो इसमें स्पेस छोटा होता है। और जो लार्ज फ्लोर वाले व्हीकल्स होते हैं उसमें आप ऑन यूज़ करोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं क्लियर करके दूंगी। अब आते हैं टू, टूवर्ड्स और अलोंग। एक मिनट, ये यहाँ पे टूवर्ड्स गड़बड़ हो गया है। टू, टूवर्ड्स, अलोंग। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। अलोंग कहाँ चलेगा? पैरेलल में चलेगा। आई एम वॉकिंग अलोंग द बीच। टू का मीनिंग मैंने समझा दिया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। क्लियर? पैरेलल आप कब यूज करेंगे? आई एम वॉकिंग अलोंग द बीच, तो वो पैरेलल हो गया। अलोंग रोड, अलोंग बैंक, अलोंग बाउंड्री एंड अलोंग बिल्डिंग। अब जैसे कि क्या एग्जांपल लेंगे इसमें, जैसे कि कोई रोड, ये रोड बनी हुई है और आई एम वॉकिंग अलोंग द ट्री साइड पार्ट जो होता है उसमें, जैसे यहाँ पेड़ लगे हुए तो उसके लिए अलोंग आपने यूज़ कर लिया। या आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द बैंक, मतलब पैरेलल, उसके पैरेलल चल रहे हैं। क्या कोई आपसे रास्ते में है और फ़ोन करके पूछे कि वेयर आर यू, तो आई एम अलोंग द बैंक, आई एम वॉकिंग अलोंग द बैंक, कि मैं बैंक के पैरेलल चल रहा हूँ। तो दैट, बट ऑब्वियस एक अगले को आपका रूट पता है कि आप किस रूट पर हैं और अब आप कहाँ तक पहुँचे। इफ़ समवन आस्क यू कि आई एम वॉकिंग अलोंग द बैंक, कि आपके घर के पास में जो बैंक है मैं उसके पैरेलल चल रहा हूँ अभी, ठीक है। या आई एम वॉकिंग अलोंग द स्कूल बाउंड्री, आपके घर के नियर अबाउट जो स्कूल है उस बाउंड्री के आसपास चल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग अलोंग योर अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो दैट इज अलोंग। तो अलोंग क्या हो गया? पैरेलल, उसके साथ साथ, उसके
साथ साथ, तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया, पैरेलल यूज किया. क्या वर्ड यूज किया, पैरेलल. और मैं टू किसके लिए यूज करेंगे, क्या पर्टिकुलर उस प्लेस पर ही जा रहे हैं, दैट इज टू. क्या पर्टिकुलर उस प्लेस पर जा रहे हैं, दैट इज टू. कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल. जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, खत्म हो गई बात के मैं मार्केट जा रहा हूं. अब आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं. कम विथ मी, आई एम गोइंग टूवर्ड्स शॉपिंग मॉल, मेरे साथ आ जाओ, मैं शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा हूं. कौन नहीं जाना चाहेगा, सब जाना चाहेंगे शॉपिंग के लिए, है ना. तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स शॉपिंग मॉल. फिर पैरेलल के लिए, तो आई एम वॉकिंग अलोंग द स्कूल बाउंड्री. क्लियर, दैट इज द डिफरेंस. ये फर्क होता है इन, टूवर्ड्स और अलोंग में. क्लियर. अभी देखिए, ये तो इतने जनरल सेंटेंसेस हैं कि दिन में 50 बार आपके मुंह से निकलते हैं. मम्मी पूछती है कहाँ है बेटा, तो बेटा कहेगा मम्मी यहीं पर, अपने घर के बाहर वाली बाउंड्री के पास में खड़ा हूँ. तो आई एम नियर द अलोंग द बाउंड्री. ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल और आई एम गोइंग टू मार्केट. और कहाँ तक जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स. क्लियर, टू टूवर्ड्स अलोंग. क्लियर, क्लियर हो गया सबको. चलिए तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं. अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में. वी शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट COVID-19, कि हमें COVID-19 के अगेंस्ट में प्रिकॉशंस लेने चाहिए. द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध है, दैट इज अगेंस्ट. पुट द बैट अगेंस्ट द वॉल, उसके अगेंस्ट में खड़ा कर दो बैट को, तो दैट इज वॉट अगेंस्ट. अगेंस्ट मतलब विरुद्ध. वी शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट COVID-19, हमें COVID-19 के अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो दैट इज अगेंस्ट. द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, एविडेंस उसके विपरीत में है, उसके विरुद्ध है, तो दैट इज अगेंस्ट. पुट द बॉल अगेंस्ट द वॉल, तो दैट इज अगेंस्ट मतलब विरुद्ध. विपक्ष नहीं जाएगा, विरुद्ध जाएगा. तो आई एम अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मतलब क्या हुआ कि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के विरुद्ध हूँ. आई एम अगेंस्ट योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ. ठीक है, तो दैट इज अगेंस्ट. वी शुड टेक प्रिकॉशंस, हमें COVID-19 के विपक्ष विरुद्ध के अंदर हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशन, सावधानियां बरतनी पड़ेगी. द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, सबूत उसके विरुद्ध है, तो दैट इज अगेंस्ट विरुद्ध. क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट. अक्रॉस, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, फ्रॉम वन साइड टू अनादर द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर. गो अक्रॉस, I went across the river by boat. Come across, I come this beautiful woman while I was walking. Across, across का क्या होगा, देखिए. On the opposite side of my house is across the road. मेरे घर की opposite side में road है, across the road. From one side to another, the bridge is across the river. ब्रिज जो है वो रिवर के अक्रॉस है. अब गो अक्रॉस क्या होगा, देखिए. आई वेंट अक्रॉस द रिवर बाय बोट, मतलब कि इस तरह से जब आप किसी चीज को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, दैट इज गो अक्रॉस. तो अब जैसे ये रिवर है और आप बोट में बैठकर इससे जा रहे हैं, दैट इज मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड क्रॉस, यू आर क्रॉसिंग द रिवर. तो जब आप उसे इस तरह से क्रॉस करेंगे, तो आई वेंट अक्रॉस द रिवर बाय बोट, कि मैं नदी के पार किससे गया,
बोट से गया। मैं नदी के पार किससे गया? बोट से गया। और एक क्या है? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स आई केम दिस ब्यूटिफुल वुमेन बाय लाई वॉकिंग। जब मैं जा रहा था तो एक सुंदर सी औरत ने मुझे क्रॉस किया, मतलब आमने सामने होकर, वो उस तरफ चल दिए, वो उस तरफ चल दिए, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो गो अक्रॉस मीन्स कि आप उसे पार करते हुए जा रहे हैं, दैट इज गो अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स दैट इज कम अक्रॉस, आप उसको कम अक्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? अक्रॉस क्लियर हो गया। अक्रॉस मीन्स के उसको क्रॉस किया आपने, ठीक है, दैट इज अक्रॉस। अब गो अक्रॉस मीन्स कि आई वेंट अक्रॉस द बोट, कि मैंने नदी को पार किया, ठीक है, किसके थ्रू? बोट के थ्रू, तो मैं उसके अक्रॉस गया। फिर आई केम दिस ब्यूटीफुल वुमेन वाइल आई वॉकिंग, कि जब मैं चल रहा था तो एक ब्यूटीफुल वुमेन मुझसे क्रॉस हुई, दैट इज कम अक्रॉस। उस समय आप कम अक्रॉस को यूज करेंगे, गो अक्रॉस को नहीं यूज करेंगे। क्लियर? जब क्रॉस हो रहा है कम अक्रॉस, ठीक है, और जब आप क्रॉस कर चले गए, दैट इज गो अक्रॉस। एक्शन से क्लियर हो जाएगा, हाथ जा रहा है, दैट इज गो, इस तरह से क्रॉस, दैट इज कम। क्लियर? दैट इज अक्रॉस, ये अक्रॉस है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है टू और इनटू। तो फॉर थिंग्स इन मोशन, जो थिंग्स मोशन में होती है उसके लिए अब टू और इनटू को यूज करते हैं। द कैट जंप टू द टॉप ऑफ द चार्ट्स, चार्ट्स के ऊपर से बिल्ली ने छलांग लगाई। शी ड्रॉप द लेटर इनटू द बॉक्स, उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला। अब ऊपर से कोई चीज आ रही है, छलांग लगा रही है, तो आपने क्या यूज किया? टू को यूज किया, ठीक है। अ मैन जंप्ड टू द टॉप ऑफ द फ्लोर, ठीक है, और जब आपने उसमें कोई चीज डाली है किसी चीज में, तो दैट इज इनटू। ऊंचाई से आया तो क्या हो गया? टू। और जब आपने खुद ने अपने हाथों से उसमें पोषण किया, दैट इज इनटू। तो ये फर्क होता है टू और इनटू में। द कैट जंप टू द टॉप ऑफ द चार्ट, कैट ने चार्ट के ऊपर से छलांग लगाई, मतलब ये देखिए ये चार्ट है, अब बिल्ली ने यहाँ से छलांग लगाई, तो दैट इज आप क्या यूज कर रहे हैं? टू को। और ये लेटर बॉक्स है, इसमें आपने लेटर ड्रॉप किया, तो आप क्या यूज करेंगे? इनटू। दैट इज द डिफरेंस। लुक व्हाट एक्शन दे बोथ आर डूइंग, क्या एक्शन कर रहे हैं वो, कि उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, दैट इज इनटू, चला गया, खत्म हो गई बात, और बिल्ली ने वहां से जंप मारी तो इतनी ऊंचाई से, दैट इज टू। द कैट जंप्ड टू द टॉप ऑफ द चार्ट और शी ड्रॉप द लेटर इन टू द बॉक्स, दैट इज टू एंड इन टू। ये फर्क होता है टू और इन टू में। क्लियर? मीन्स पहला तो बात ये हो गई कि अपन टू और इन टू को किसके लिए यूज कर रहे हैं? मोशन के लिए। जब आप मोशन में हैं तो आपने टू और इनटू को यूज़ किया, पहली बात। दूसरी बात, तो अपन ने क्या एग्जांपल लिया कि द कैट जंप टू द टॉप ऑफ द चार्ट, जो कैट है उसने चार्ट के टॉप से जंप किया, तो दैट इज टू, और आपने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, दैट इज इनटू। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। विथ द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय एन एजेंट, सिंपल है ये तो, कि द बॉल वॉज हिट विद द बैट, उसके साथ, ठीक है, कि बॉल को बैट के द्वारा मारा गया। क्लियर? तो विथ के द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द एजेंट, कैसे? कि द बॉल हिट विद द बैट। क्लियर? विट तो बहुत सिंपल है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछें, कि विट में कोई डाउट है तो, जैसे आई एट चपाती विथ दाल, ठीक है, मैंने रोटी दाल से खाई, या आई एट चपाती विथ पनीर, या कर्ड, जो भी है,
जो भी आपका फेवरेट है वो, तो दैट इज विथ, उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, विथ यूज कर रहे हैं. अब बिसाइड्स एंड बिसाइड, बिसाइड्स एंड बिसाइड, बिसाइड्स क्या होता है, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, उसकी तरफ, और बिसाइड मीन्स इन एडिशन, उसके साथ, उसकी तरफ, उसके साथ. बिसाइड्स, ही सेट बिसाइड्स द वॉल, वो दीवार के तरफ है, दीवार की तरफ बैठा है. देयर विल बी थ्री पीपल कमिंग बिसाइड यू एंड राज, तुम्हारे बाद में कौन कौन आ रहा है, तीन लोग और आ रहे हैं, तुम और राज के बाद में और कौन आ रहा है, तीन जने आ रहे हैं, तो दैट इज बिसाइड्स. क्लियर, बिसाइड मीन्स ही सेट बिसाइड द वॉल, वो वॉल की साइड में बैठा है, दैट इज बिसाइड. ठीक है, बिसाइड यूज करते हैं ना अपन प्रीपोजिशंस में, यूज करते थे अपन ऑन, द, इन और बिसाइड. तो ही सिट बिसाइड द वॉल, ये वॉल बनी हुई है, उसके बिसाइड में वो बैठे हैं, दैट इज ही सिट बिसाइड द वॉल. क्लियर, अब देयर विल बी थ्री पीपल कमिंग, के तुम तो जा ही रहे हो और राज भी जा रहा है उसके साथ में, प्लस तीन लोग और आएंगे. ठीक है, उसके साथ में तीन लोग और आएंगे, तो बिसाइड बाय द साइड ऑफ और बिसाइड्स इन एडिशन. इन एडिशन तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अपन जोड़ रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज इन एडिशन. और बिसाइड बाय द साइड ऑफ, तो जब साइड ऑफ की बात होगी तो आप बिसाइड यूज करेंगे, और नहीं तो आप बिसाइड्स यूज करेंगे. यहां पर ये एस नहीं आएगा बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. क्लियर, तो बिसाइड और बिसाइड में ये फर्क होता है, बिसाइड्स और जोड़ेंगे. तो ही सिट बिसाइड द वॉल, वो दीवार के बिसाइड में है, और द थ्री पीपल आर कमिंग बिसाइड यू एंड राज, तुम्हारे और राज के बाद में तीन लोग और आ रहे हैं. तो जब आप जोड़ेंगे, किसी की जोड़कर बात बता रहे हैं, तो आप बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, और ही और वो उसके साथ की बात बता रहे हैं, बाय द साइड ऑफ बता रहे हैं, तो बिसाइड यूज कर रहे हैं. क्लियर, होप कोई डाउट नहीं है. अब आता है अबाव, ओवर, बिलो एंड अंडर. एकदम शांति से सुनिएगा कि इसका क्या फर्क होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए. अबाव और बिलो जो होता है ना बेटा, वो पोजीशन को शो करता है, और ओवर और अंडर जो है वो मूवमेंट को शो करता है. पहली बात तो ये, ठीक है, अबाव और बिलो जो है वो पोजीशन को शो करता है, और ओवर जो है और अंडर जो है वो मूवमेंट को शो करता है. द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, तो ओवर मैंने कहाँ यूज किया, कि जो उसके ऊपर उड़ रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, जो उसके ऊपर उड़ रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है. फिर बिलो मैंने कैसे यूज किया, द बैग इज बिलो द टेबल, उसने तो उसको टच किया होगा, तो बिलो. दे आर प्लेइंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं लेकिन पेड़ की पत्तियों को टच कर रहे हैं नहीं. तो द बर्ड इज फ्लाइंग अबाउ द ट्री, नहीं, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर फ्लू कर रही है लेकिन उसे टच नहीं कर रही है. द बर्ड इज सिटिंग अबाउ द ट्री, तो दैट इज द सेंटेंस, कि जो चीज टच कर जाए, टच कर जाए मीन्स उसको छू ले, तो आप अबाउ यूज करेंगे, और जो उसको छू नहीं रही है लेकिन उसके ऊपर से निकल रही है, तो आप ओवर यूज करेंगे. ये फर्क होता है अबाउ और ओवर में, ठीक है. आई एम, जैसे कि द बर्ड सिटिंग अबाउ द ट्री, तो बर्ड जो है वो कहाँ है, ट्री के अबाउ है, तो कहाँ है, ट्री के अबाउ, दैट मीन्स कि वो उसके ऊपर बैठी हुई है. द बर्ड, जब बर्ड उड़ रही है तो आप क्या यूज करेंगे, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही है, तो आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं. क्लियर हो गई ये डिफरेंस, बहुत अच्छे से शांति से सुनिएगा अबाव और ओवर का. अबाव आप कब यूज करेंगे, जब कोई चीज जो उसके ऊपर से निकल रही है और उसको छू रही है, तो अबाव. और
क्या यूज करेंगे उसमें? बिलो, ठीक है, या तो ऊपर से निकल रही है और छू रही है, या नीचे से उसके साथ है और उसको टच कर रही है, तो बिलो। अबाव ऊपर के लिए, बिलो नीचे के लिए, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में चीज टच करेगी, दोनों ही सिचुएशन में चीज टच करेगी, और ओवर और अंडर के अंदर चीज टच नहीं करेगी, चाहे वो उसके ऊपर से निकल रही है, चाहे वो उसके नीचे से निकल रही है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर रही है। क्लियर हुई मेरी बात? अबाव और बिलो और ओवर और अंडर में क्या फर्क होता है? अबाव में ये फर्क होता है कि वो चीज उसको टच करेगी, बिलो में भी यही होता है कि वो चीज उसे टच करेगी, ओवर और अंडर में वो चीज उसे टच नहीं करेगी। क्लियर? और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, द बैग इज बिलो द टेबल एंड दे आर प्लेइंग अंडर द ट्री। ये कुछ रूल्स थे जो आज अपन ने प्रीपोजिशन पार्ट टू में किए। एक बार शॉर्ट समराइज उसको वापस करेंगे अपन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से अपन ने शुरू किया, इन, ऑन, एट। एट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज होता है, इन जो है वो सिटी, कंट्री, स्टेट, विलेज के लिए यूज होता है, ऑन जो है वो फ्लोर और स्ट्रीट के लिए यूज होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अपन ने इन और ऑन किया। इन और ऑन व्हीकल के लिए, कि जिन व्हीकल्स में अपन घूम फिर सकते हैं उसके लिए ऑन यूज करेंगे, और जो छोटे स्पेस व्हीकल्स होते हैं जिनमें घूम नहीं सकते उसमें अपन ऑन इन यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद अपन ने टू, टूवर्ड्स और अलोंग। टू, वहां जा रहा हूं तो टू, उसकी तरफ जा रहा हूं तो टूवर्ड्स, उसके साथ साथ चल रहा हूं तो अलोंग, ठीक है। टू, उस वहां जा रहा हूं तो टू, उसकी तरफ जा रहा हूं तो टूवर्ड्स, उसके साथ साथ चल रहा हूं तो अलोंग, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अगेंस्ट, मीन्स उसके विरुद्ध में। तो द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, ये एग्जाम्पल दिया। Across, across में मैंने आपको क्लियर किया कि जब आप किसी चीज को पार करते हुए जा रहे हैं तो गो across, और कोई चीज आपको क्रॉस करते हुए जा रही है तो कम across, ठीक है। जब आपने किसी चीज को पार किया तो गो across, कोई चीज ने आपको क्रॉस किया तो दैट इज कम across। टू और इनटू, टू और इनटू में क्या, कि कोई चीज जब उसके ऊपर से जंप किया तो दैट इज टू, और कोई चीज को आपने अंदर जंप करवाया दैट इज इनटू। अब विथ, विथ बिल्कुल सिंपल था कि उसके साथ, दैट इज विथ। बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ, ठीक है, और बिसाइड्स मींस एडिशन, उसके साथ चल है तो दैट इज बिसाइड, और उसके साथ और है तो दैट इज बिसाइड्स। अबाव और बिलो, अबाव और बिलो मींस के वो चीज जो है उसकी पोजीशन बता रहे हैं, मतलब के उनको टच कर रहे हैं, और ओवर और अंडर ये साथ में है। तो अबाव और बिलो अपन कब यूज कर रहे हैं? जब कोई चीज उसके ऊपर है तो दैट इज अबाव, जब कोई चीज उसके नीचे है और टच कर रही है दैट इज बिलो, ओवर जब कोई चीज उसके ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है तो दैट इज ओवर, अंडर जब कोई चीज उसके नीचे है और टच नहीं कर रही है, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो क्या कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी है? तो देखो दोनों में कितना फर्क है, अगर यहाँ कैट है और यहाँ टेबल है तो कितना फर्क है, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया, तो अपन ने क्या यूज किया? अंडर, ठीक है। अब जैसे ये ट्री है और बर्ड फ्लाई करी, तो द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो अपन ने क्या यूज किया? ओवर। अगर ये बर्ड यहां बैठी होती तो बर्ड इज अबाउ द ट्री, ठीक है। क्लियर? तो दैट इज द थिंग। तो ये चीजें हैं जो अपन ने प्रीपोजिशन पार्ट टू में आज डिस्कस की। होप क्लियर हुआ है, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो प्लीज़ उसमें कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। पार्ट्स ऑफ सीरीज का प्रीपोजिशन पार्ट टू अपन ने क्लियर किया है, कल अपन पार्ट थ्री के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।